कोरोना की दूसरी लहर में मुसलसल इजाफा, 2547 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटे में मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमू तादाद 7248 हो गई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। जिले इंतजामिया के मुताबिक मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सरकारी और निजी दफातर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। दूध, बेकरीज, गोश्त सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दस्तियाब। कोरोना बेकाबू, तालीमी इदारों में 24 नवंबर से 31 जनवरी तक छुट्टियां दी जाएं। वफाकी वजारत तालीम की सूबों को तजवीज। वज़ीर आज़म इमरान खान आज काबुल का दौरा करेंगे। सदर अशरफ गनी से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रेलवे का इफ्तिताह आज होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद इफ्तिताह करेंगे। केसीआर की बोगियों को सिटी स्टेशन पहुंचा दिया गया। इब्तदाई तौर पर ट्रेन सिटी स्टेशन और पेरी के दरमियान चलाई जाएगी। एक तरफा किराया 50 रुपए होगा। कराची के इलाके गोलीमार की पीतल गली में गाड़ी में आग लगने से 2 साल का बच्चा जांबहक, एक शख्स जख्मी हो गया। अस्पताल जराये का कहना है की जांबहक और जख्मी बाप बेटा है। जिसने पूरे पाकिस्तान में ईंट नहीं लगाई, जो आपके वोट चोरी करके ले गया, आज वो नवाज शरीफ की हजारा मोटर वे पर बड़ी चालाकी से अपनी तख्ती लगाकर चला गया। तख्ती लगाने वाला समझते है कि आवाम नहीं जानते कि ये मोटरवे किसने बनाई है। मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नतायज मुस्तरद कर दिए। हुकूमत वो चोर करार, कहती हैं जाली हुकूमत की मौजूदगी में मुल्क चलना महाल है, हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाई जा रही हैं। आपको तो 2018 में पाकिस्तान के अवाम ने रिजेक्ट किया, फिर गिलगित बल्तिस्तान में आपको बुरी तरह से रिजेक्ट किया। आप होते कौन है जो नताइज को मानते नहीं है? आपकी हैसियत क्या है? जिनकी जायदादें पकड़ी गई हैं बैरून ममालिक में, वो हमें डांट रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत नशरियात शिबली फराज कहते हैं मुस्तरद करप्ट टोले की हैसियत क्या है? जिनकी जायदादें पकड़ी गई वो जिताई का मुजाहरा कर रहे हैं। जितना बड़ापन मैंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देखा है कि एक जलसे से लोग दूसरे जलसे में जाते हुए देखे हैं और एक जलसे में मुखालफों की कैप पहने हुए लोग देखे हैं, मैं नहायत जिम्मेदारी से कहता हूं, मैंने अपनी सियासी जिंदगी में इतना शफाफ इलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है वो होते हुए नहीं देखा। शेख रशीद ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात तारीख के शफाफ इंतखाबात करार दे दिए। पीटीआई के 2/3 से हुकूमत बनाने की भी पेशगोई कर दी। मजीद कहा अपोजिशन ना इत्तफाकी का शिकार है। हवास बाख्ता इमरान नयाजी पर हरीफों को ऐजा पहुंचाने की धुन सवार है। राणा सनाउल्लाह का इल्जाम बीमार शहबाज शरीफ के साथ सुलूक भी नारवा करार दे दिया। कतरी फजाया के सरबराह का दौरा पाकिस्तान। सदर ममलिकत, आर्मी और नेवल चीफ से अलग अलग मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात के फरोग और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के वाइस चेयरमैन अल्ताफ हिस्कानी नामालूम अफराद के फायरिंग से जांबहक। वाक के खिलाफ पार्टी कारकुनान सरापाए एहतजाज। पाड़ा चिनार में अफसोसनाक हादसे में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। एक घर की छत गिरने के सबब यह वाकया पेश आया।
जरदारी ने ओसामा की पाकिस्तान में हलाकत को खुशी की खबर करार दिया था। बराक ओबामा का खिताब में कशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इख्तलाफ की सजा, डायरेक्टर इलेक्शन साइबर सिक्योरिटी ओहदे से बर्खास्त। क्रिस ने हालिया अमरीकी इंतखाबात को शफाफ तरीन करार दिया था। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लद्दाख में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। श्रीनगर में बदला जज्वी तौर पर अबर आलू। जम्मू और बारामूला में मौसम खुश्क रहने की तवक्को।